हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और भाई आप सभी का रैंक पुशिंग भी बढ़िया चल ही रहा होगा। अब देखो, बात करें हमारे आज के गेम प्ले के बारे में ना, भाई इतना जोरदार है, इतना जबरदस्त है दो के दोनों गेम प्ले ना, भाई मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा ही नहीं। बस आप आज के गेम प्ले को पूरा देखिए, ठीक है। पूरा देखने के बाद भाई आप खुद ही लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए उतावले हो जाओगे। अब देखो, जैसे यहाँ पे आता हूँ ना, मुझे एक बंदा स्पॉट नहीं होता, मतलब बग्गी स्पॉट होती है। तो मैं सोचा ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा तो होगा ही होगा। और ये देखो, यहाँ पे भैया जी के साथ कांड हो गया। खैर, इनको मार के यहाँ पे हमारा लास्ट के सर्कल में खाता खुल गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मेरे केवल एक किल थे जब मैं जोन में एंट्री किया था, बट लास्ट के चलते चलते भाई देखो कितने सारे किल्स निकालूंगा और भाई मजा तो बहुत आएगा। खैर, ये इसी आईडी का गेम प्ले है जिसका हमारा माइनस हुआ था लगभग 120 तक का, ठीक है, जो कि मैंने रिकवर कर लिया है। तो भाई देख लो, इतना ज्यादा मैंने माइनस रिकवर कर लिया। ऊपर से भाई यहाँ पर रैंकिंग जो है 350 के आसपास ला के छोड़ भी दिया हूँ। अगर भाई इतने में कर हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक आध मैच और खेल लूंगा, थोड़े बहुत 8-10 प्लस और कर लूंगा तो हो जाएगा कॉन्करर इजी, ठीक है। बाकी नहीं हुआ तो भाई कर लूंगा। अब सोच सकते हो भाई, इतना ज्यादा माइनस लगा था, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ था, फिर जाके मैंने रिकवर किया और भाई इजी इसमें कॉन्कर लगा दिया। तो भाई आप लोग तो आराम से कर ही सकते हो। मैं यहां पे भाई 2 दिन में कर दिया, तो आप 4-5 दिन का टाइम ले लो तो आराम से कर ही सकते हो, है ना। अब देखो, यहाँ पे आपके पास ना लगभग 40 दिन का टाइम है, ठीक है। तो 40 दिन में तो भाई आराम से आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, आराम से कॉन्कर हो जाएगा। 40 दिन में तो भाई प्लेटिनम, गोल्ड, कोई ब्रॉन्ज से स्टार्ट करेगा ना तो उसका भी कॉन्कर हो जाएगा, बाकी आपका तो हो ही जाएगा। अब भाई किसी को कुछ गिव अप वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं, करने वाली कोई बात ही नहीं है यार। इतने ज़्यादा मेहनत किए हो, यहाँ तक लेके आए हो इस मास्टर रेस तक, और फिर इसके बाद आप गिव अप कर दोगे तो भाई कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। खैर, वाला स्प्रे कैसा लगा मेरे को ये बताओ। अच्छा तो लगा ही होगा, है ना। तो इसको फिनिश करके यहाँ पे हमारे 3 किल हो जाते हैं अच्छे खासे। अब देखो सामने, अब ये भैया जी लेट के स्प्रे करने का तैयारी कर रहे थे। बट इनके भीतर पे खोपड़ी बजा के हमारे अच्छे खासे 4 किल हो गए, मजा आ गया था। अब देखो सामने एक बंदा स्नाइपर वगैरह चला रहा था, तो मैं सोचा ठीक है जाके थोड़ा सा देखा जाए, बंदा स्पॉट भी होता है। बट भैया इतना अच्छा खासा डैमेज दिया और बंदा जो है मरने से मना कर देता है कि नहीं मेरे को नहीं मरना। चलो ठीक है भाई, मत मरो भी, आगे मर लेना, बाद में मर लेना, चिकन तो मेरा ही है। अच्छा यार, चिकन मेरा है, खैर बता दूं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अब क्या बोलूं। अब देखो इधर पे भाई, इस बंदे के जगह पे अगर मैं होता ना तो भाई मेरी पक्की पेटी बन जाती। भाई ये बंदा कैसे बच गया यार, बग्गी के एकदम से ऊपर से, अब मैं क्या ही बताऊं। खैर देखो, जैसे इधर पे आता हूँ ना, अपनी बग्गी यहाँ पे फिसल गई। जब फिसल गई तो मैं सोचा ठीक है, बग्गी सीधी करने के चक्कर में, भागने के चक्कर में यहाँ पे कोई बंदा देख रहा होगा तो पेटी बना देगा। अगर मेरी बग्गी नहीं चाहती कि भाई यहाँ से मैं कहीं आगे जाऊँ, तो भाई मैं आगे जाऊँगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और भाई जो होना होता है ना, वो पहले से तय होता है, मैं ऐसा बता दे रहा हूँ आपको। और भाई वही होता है, अब वही होगा इधर पर। खैर, बहुत ज़्यादा ही बकवास कर रहा हूँ। अब बस ये वाला किल देखो और यहाँ पे लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मैं बोलूँगा नहीं, बस आप कर दो, ठीक है। अगर अच्छा लगे तभी कर दो, खैर अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। अब मुझे मेरे को अच्छा लग रहा है, तो भाई आपको अच्छा लगेगा क्यों नहीं, पहले ही बताओ। अब यहाँ पे भाई मुझे घास में लेटना पेटना था, तो मैं सोचा ठीक है लेटना लपेटना है, तो यहाँ पर कपड़ा ओढ़ना उतार देते हैं एकदम से। अब देखो यहाँ पे मैं 5 किल है, ठीक है, अभी इंस्टेंट मेरे 9 किल देखो कैसे हो जाते हैं। और भाई वो देख के ना कसम से बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एकदम से सीन था, देख के मजा आ जाएगा, आराम से मजा आएगा, ठीक है। बस देखो मैं कितनी बार बोलूंगा कि भाई देख के मजा आएगा, देख के मजा आएगा। अब देखो ऐसे सिचुएशन में जोन जिधर पे है ना, तो अगर आपको सांप भी बनना पड़े तो आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। भाई यहाँ पे भाई किसी भी बंदे का थोड़ा सा साइन वगैरह नहीं आ रहा था। अब देखो मैं पीछे यहाँ पे इसलिए आ गया कि ताकि मेरा बैक क्लियर रहे, मेरा पिछवाड़ा क्लियर रहे, बाकी आगे का तो मैं देख ही लूंगा।
अब देखो जोन भी श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो मूवमेंट आने वाला है, 3 2 1 go। अच्छा फिर से गिनते हैं, 3 2 1 2 3 4। अब देखो, 1 2 3। खैर ये वाला सीन आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना, जट ये भी लिख देना थोड़ा, ठीक है, ताकि अपने को भी मजा आए यार, थोड़ा से पॉजिटिव कमेंट किया करो, थोड़ा सा तारीफ वगैरह कर दिया करो, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट रहूं। अब ये भैया जी आगे आते ना तो भाई जिस मूवमेंट में था मैं, जो मेरा मोमेंटम था ना, इसको भी उतार देते। खैर यहाँ पे स्टोरेज थोड़ा खाली कर देते हैं कि अब तब भाई मेरा गेम यहाँ पे रिकॉर्ड करूँ पूरा, स्टोरेज की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच हो जाए, रिकॉर्ड ही ना हो, तो यहाँ पे डिलीट करके खाली कर दिया और भाई वापस आता हूँ तो भाई बचा था, चलो ये मेरे लिए अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे फटाफट चिकन कैसे निकालते हैं, भाई मुझे डर लग रहा था इधर पीछे से कोई बंदा ना आ जाए अपने को धब्बा दे दे, मतलब लेटते लेटते घिसलते घिसलते। खैर आगे से गाड़ी निकली, अब देखो सीन, चलो जल जला को हमने मारा और भाई गाड़ी वाले बंदे को मैक्स ने मार दिया। फिर देखो अब यहाँ पे मैं नेट पे क्लिक करता हूँ तो भाई ये मैप खुल जाता है बिना मतलब का। फिर यहाँ पे मेरे पास जितना भी नेट मोली था ना मैं सब फेंक देता हूँ, मैं सोचा कम से कम किसी ना किसी तो बंदे को थोड़ा सा, किसी ना किसी से बंदे को थोड़ा सा कुछ तो लगेगा है ना, डैमेज तो होगा थोड़ा बहुत, बट होता ही नहीं। अब देखो भाई मेरे पास जितना था ना मैं सब फेंक देता हूँ, लिटरली यार सब फेंक देता हूँ स्मोक को छोड़ के। अब यहाँ पे मैं सोचा पैन किलर खा के थोड़ा सा फॉल बैक कर लिया जाए, नहीं तो भाई बंदे का भी यहाँ पे नेट आ सकता है। अब मैं सोचा आराम से चुपके चुपके जाऊंगा, राइट से बंदे को धब्बा दे दूंगा, लेकिन ये भैया जी खुद ही चल के आ जाते हैं। और मैक्स भैया को यहाँ पे हिप फायर में ही पकड़ के अपन इनको चाप देते हैं, पकड़ के चाप देते हैं, तो यहाँ पे हमारा अच्छा खासा 10 किल के साथ चिकन हो गया था। खैर इसी मैच के बाद अपना एस मास्टर भी हो गया, बाकी प्लस देख लो अच्छा खासा 35 का मिल गया। अब ये हमारा सेकंड गेम प्ले भाई, ये मेरा दूसरे आईडी का गेम प्ले, इसमें भी हमारा कॉन्कर हो गया, ठीक है, एक दो दिन पहले ही हो गया था। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा लैग भी देख सकते हो और गेम प्ले तो भाई एकदम से जॉर्ड लेवल का है ही है। अब नीचे एक और बंदा है, अब मोली किया, मुझे ऐसा लगा भाई कहीं ये ऊपर से जंप करके ना आ जाए, बट ये आता नहीं। अब देखो इसको कैसे फिनिश करेंगे। अब पहली बात तो ये कि मैं इसको फिनिश कर पाऊंगा कि नहीं वो देखो आप, अब देखो इसको जैसे ही मारता हूं ना, अब हीलिंग का साउंड आया, बट यहां पे मैं समझ नहीं पाया कि भाई बंदा कहां पे दुपक के बैठा है यार, हल्का सा स्पॉट भी नहीं हुआ भाई, यहां पे गलत सीन था कसम से, बहुत ही गलत सीन था। यहां पे फिनिश हो गया, खैर 2 किल हो गए थे। अब देखो यहां पे जो रोजोक है ना, रोजोक के ऊपर यहां पे एक गुफा है, गुफा के बगल में ट्रिपल स्टोरी है, यहीं पे होल्ड कर रहा था क्योंकि ये अपने को यहीं पे फेंक दिया था, ठीक है, प्यार से फेंक दिया था। तो यहाँ पे एक बोट आता है, बोट को फिनिश करके 3 किल हो जाते हैं। अब भाई लास्ट तक ना यहीं पे होल्ड करता हूँ, देखो मेरे पास गाड़ी घोड़ा कुछ है नहीं, बट उसका इंतजाम हो जाएगा। अब कुछ ही देर में भाई यहाँ पे बग्गी से एक बंदा आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे पुश कर दिया था, उतने में यहाँ पे एक बोट आता है, चलो बोट को फिनिश करके यहाँ पे हमारे 4 किल हो जाते हैं। बाकी अब देखो भाई इस बंदे को जो ही मारेंगे ना, इसके पास यहाँ पे शॉटगन वगैरह है,
अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी एग्रेशन दिखाता ना तो यहाँ पे अपना मोई में हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं दिमाग लगाता हूँ, आता हूँ इस रेलिंग पे, बंदा यहाँ पे भाई नेट मोली करेगा ही करेगा। और भाई ऐसी जगह बैठ जाता हूँ कि भाई बंदे का नेट मोली किसी भी कीमत में ना आए। भाई देख लो भाई शॉटगन से क्या ही डरा रहा है। भाई नेड किया यहाँ पे, नेट से तो कुछ होता नहीं, लेकिन उतने भाई यहाँ पे एक और बोट आ जाता है। अब बोट को जैसे ही मारता हूँ ना, ये बंदा भाई एकदम से आग बबूला हो गया जल के। भाई कसम से एक बोट बस मार दो अपना, आपके पास का जो बंदा है ना आप पे इतना ज्यादा अंधा पुश करता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ। भैया जी यहाँ पे शॉटगन लेके अंधा पुश करते हैं, चलो इनको यहाँ पे पेटी बना देते हैं। भाई ऐसे मत किया करो ठीक है, आपको पुश वगैरह करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं था तो बंदे को यहाँ पे पुश ही नहीं करना था, इतना अर्ली फाइट लेना ही नहीं था। भाई ऐसे में बंदे मर जाएंगे, फिर बोलेंगे मेरे को प्लस नहीं मिलता। भाई ऐसे कैसे प्लस मिलेगा। खैर इसके पास यहाँ पे बग्गी थी, भाई इसी की बग्गी लेके आगे जाते हैं। यहाँ पे अपने अच्छे खासे 6 किल हो गए थे, तो मुझे कोई पोजीशन चाहिए था कि मैं जाके शांति से होल्ड कर सकूँ। भाई आगे ना अब देखो रोटेशन देखो यहाँ पे, अब भाई आगे जोन में आपको छोटे मोटे जो प्लेस है ना आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे जाके होल्ड करना है। भाई यहाँ पे मुझे पता था आगे एक छोटा सा शेक है, अगर शेक खाली होगा तो मैं वहीं पे जाके होल्ड करूँगा। और भाई आगे आता हूँ देखता हूँ यहाँ पे भाई शेक पे कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो मुझे लगा भाई शेक खाली ही होगा, और भाई शेक खाली भी था। चलो आते ही यहाँ पे हमारी बोनी हो गई। भाई ऐसे ओपन में आप कहीं भी फाइट वगैरह मत लिया करो भाई, आप जोन के बीचों बीच ऐसे ओपन में बैठ के मतलब ये क्या सीन है यार। खैर क्या ही बोल रहा हूँ, अब देखो जितने भी बंदे आए ना स्प्रे जरूर लिया करो। अब देखो यहाँ पे जो भी सीन हो रहा था इससे मेरा कोई भी नाता है, नाता केवल ये पसीने से है। भाई पसीना इतना ज़्यादा हाथ में हो रहा था मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे स्कोप ऑन नहीं हो रहा है, और भाई फायरिंग में भी पता नहीं कैसे क्या सीन था। खैर यहाँ पे इसको लूटने जैसे ही आता हूँ देखो सामने एक बंदा रहता है जो जिसके पास रहता है स्नाइपर। ना 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 रे भागो 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 भागो, स्नाइपर है बंदे के पास, भागो यहाँ से। करे आप बच ही गए भाई, बंदे का हग्गू स्नाइपिंग था इसलिए बच गए। अब देखो जैसे इधर पे आता हूँ ना अब ये पेड़ पे यहाँ पे ठोक देता हूँ, मुझे लगा भाई ये पेड़ अभी सर्कल में होगा। अभी यहाँ हमारा पे टॉप टेन, अभी यहाँ पे हमारा टॉप टेन हो गया था, तो इसलिए मैं सोचा ठीक है थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो यहीं पे रुक जाता हूँ। मुझे लगा पीछे वाला बंदा जो है इधर से जोन से आएगा तो आराम से उसको मार लूंगा, बट भाई यहाँ पे मैं खुद ही जोन के बाहर था। अब भाई ये बंदा ना इधर से आता ही नहीं, कहीं और ही चला जाता है। मुझे थोड़ा सा डाउट था अब कि भाई ये कहीं ना कहीं आसपास लेटा होगा जो कि अपने को अभी आगे चल के ना बहुत ही गंदा वाला डसेगा। उसके पहले सामने देखो बंदा और स्प्रे। टीम बीएक्स नशेड़ी, वैसे ये हमारे फ्रेंड लिस्ट के भैया जी रहते हैं, इनसे हमारी अच्छी खासी दोस्ती भी है। खैर आप इनको फिनिश करके हमारे 9 किल हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे भाई जो बंदा यहाँ पे लेटा है ना गड्ढा खोद के, वही मस्जिद भाई वाला डायलॉग, गड्ढे खोद के लेट जाते हैं साले। अब यहाँ पे मेरे को डैमेज पहले पड़ा और भाई गन के फायरिंग का साउंड बाद में आया। खैर यहाँ पे थोड़ा बहुत डेसिंग भी होता रहता है। खैर यहाँ पे अच्छा खासा 24 का प्लस मिल गया था, तो कोई बात की कोई गलत बात या क्या यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, हाँ कोई दिक्कत की बात थी नहीं ठीक है। बाकी यहाँ इनका स्नाइपिंग वगैरह देख लो। खैर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाकी किसी को डिमोटिवेट वगैरह होने की जरूरत है नहीं यार ठीक है, थोड़ा सा माइनस हुआ तो उसको देखो और आप इजी कर लोगे, मैं कर लिया तो भाई आप भी कर लोगे है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।